बंसी, अरे ओ बेटे बंसी, सूरज सर पर चढ़ाया, अब तो खाना खा ले। मैं इतनी देर से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? ओ, दो निवाले खाकर काम करेगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। माँ, तुझे बोला तू जाए यहाँ से, मुझे अभी बहुत काम करना है, तू जाना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मुन्ना मुन्ना, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। माँ, तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? तूने मेरे बेटे को कलकती धूप में लिटा दिया। अपने बेटे को दो पल के लिए धूप में जलता हुआ देखकर इतना तड़प उठा तू? अरे पगले, तू भी तो मेरा बेटा है, मेरे दिल का टुकड़ा है, और तू जो सवेरे से इस कड़कती धूप में जल रहा है, और वो भी भूखा प्यासा, तो क्या मेरा दिल नहीं दुखता? मेरी ममता को तकलीफ नहीं होती क्या? अब समझ में आया ऊपर वाले का ये खेल, जब वो औलाद देता है तो दिल में उसके लिए दर्द भी अपने आप ही दे देता है। आहिस्ते आहिस्ते, क्या करता है? और जल्दी से काढ़ा लेके जा, वरना राजा बाबू की मां तुझको नहीं छोड़ के तुझ में से काढ़ा निकालेगी। भाग, ये लीजिए पानी। दूधी जी, मालकिन, राजा बाबू के बाहर जाने का वक्त हो गया, जल्दी से उसकी पटपटी साफ कर दे। अभी साफ किए देते हैं। राजा राजा बेटा, अब चौधरी साहब, आपके लिए लेटर लाया हूँ, लो ये लीजिए। चौधरी साहब, यह आपका बेटा है? वकील है? नहीं। तो फिर डॉक्टर होगा? नहीं। समझ गया, पुलिस इंस्पेक्टर है? नहीं। तो फिर ये कौन है? इस गांव में नए आए हो? जी हाँ, मैंने कल ही ड्यूटी ज्वाइन की है। इसीलिए मेरे सबूत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? जी नहीं। वो कुछ नहीं है, है? सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। ओ। एमए किया है, माँ की ममता में, किसी कॉलेज से नहीं, पांचवी में 5 मरतबा फेल हुआ, इसीलिए मजबूर होकर स्कूल वालों ने स्कूल बंद कर दिया। चौधरी साहब, बस इससे ज्यादा कुछ पूछना है तो गांव के किसी भी आदमी से पूछ लेना। अच्छा। यहाँ पूछे, अगर उसकी माँ ने सुन लिया तो जल्दी भी लकड़ी लेके पीछे दौड़ पड़ेगी। कौन है जी, किससे बातें कर रहे हैं आप? जी बाब। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा। नहीं नहीं, मेरी क्या मजाल, नहीं मैंने पूछा ही नहीं कुछ। अरे अजी, ये डाकिया मुझे देखकर भाग क्यों गया? अरे तुम इस हालत में देखी, यमराज भाग जाएगा, वो बेचारा तो फिर भी डाकिया था। क्या? अच्छा, ये लेके कहाँ जा रही हो तुम? अजी, उस दीवार पे दीमक लगी है ना, उसी को निकालने जा रही थी। अच्छा, वो उस गरीब को मालूम नहीं था। वैसे आपके बेटे साहब उठ गए या अब तक?
जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं आप। वो बेचारा तो कब का जाग गया, नहाने भी गया है, बस तैयार होके नीचे ही आता होगा। जब वो नीचे आएगा उसके बाद हमें खाने को मिलेगा। कमाल करते हैं आप, आपको खाने की पड़ी है, यहाँ मेरे बेटे ने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। कहाँ से करेगा नाश्ता, एक बजे तो सो के उठता है, एक बजे फिर नाश्ता नहीं होता, दोपहर का खाना होता है। रहने दीजिए, जब देखो तब ताने ही देते रहते हैं। तो क्या दें, खाना तो मिलता नहीं है। उठ गए? उठ गया बाबा जी। वाह, क्या कपड़े पहने, इसमें तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। शुक्रिया बाबा जी। बस कीजिए जी, नजर लगाएंगे क्या मेरे बच्चे को? चल बेटे तू खाना खा। वाह जरा बाबा। ये ले। सुनो, मैं भी खाऊं? हाँ आप खाइए। अच्छा खाइए। ये नौकर लोग ठीक से काम नहीं करते, आज इन सब की खबर लेती हूँ। तूने क्यों ठूका? माँ ने कहा था। क्यों जी? तुमने इसको ठूकने को क्यों कहा? कंकर आया था इसलिए। तू क्या ऐसे कंकर वाला खाना देती अपने बेटे को? बताओ, कंकर मेरे मुंह में आया था, ठूका इसको दिया। अच्छा बाबा जी, मैं चलता हूँ। जाओ। तो मैं चलूं? हाँ जाओ बाबा। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे तो जाना जाता क्यों नहीं? अजी जाएगा कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है बिचारे के। चलिए इसे पैसे दे दीजिए। पैसे? हाँ। आज के बाद मैं इसको एक नया पैसा नहीं देने वाला। हफ्ते में चार बार जब तक मेरे बच्चे का दिल ना दुखा लो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तुम भी मुझी को कहती रहो, ये चाय पीना मकसद गांव भर में घूमता रहे, आवारा गर्दी करता रहे, अय्याशी करता रहे। अजी कौन सी अय्याशी करता है ये, है दारू पी के आता है, लड़कियों को छेड़ता है, बेचारा गरीब गाय की तरह सर झुका के जाता है, सर झुका के आता है। क्या गाय? और आपकी इतनी बड़ी जायदाद की ये किसके काम आएगी? मेरा एक माँ मेरी टोपी। अरे क्यों अपने बेहुदा प्यार से इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? अरे देखो उसका कद निकल आया है, ये अपनी जिम्मेदारी का बोझ कब उठाएगा? बस इसकी शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। इससे कौन करेगा शादी? मैं कहती हूँ इसे पैसे दे दीजिए, बहुत हो चुका। मेरे पास पैसे नहीं, मैं अपनी तिजोरी की चाबी पता नहीं कहाँ घुमा के। अगर अरे चाबी घूम गई तो फिर ये क्या है? और फिर जब इसे ही देने के लिए पैसे रखे थे तो इसे दिए क्यों नहीं? बेटा इतने सारे पैसे छोड़ो, ये ठीक है ना? चला लूंगा मैं, चलो। अरे अरे बेटा धूप कितनी है, चश्मा तो पहन जल्दी। और सुन धूप में ज्यादा मत घूमना बेटा, लू लग जाएगी। माँ जी मेरे होते हुए राजा बाबू को लू कैसे लग सकती है? मैं इस छाते से राजा बाबू को धूप से भी बचाता हूँ और बुरी नजरों वालों की नजर से भी। माँ जी क्या रे नंदू, सुना कल तूने मुखिया के कुत्ते को काट लिया था? पहले कुत्ते ने मेरे को काटा था इसलिए मैंने उसे काट लिया। झगड़े के अंदर मैं हिसाब बराबर रखता हूँ। अच्छा अच्छा ले पकड़, इसमें मौसम्बी का रस है, गाजर का हलवा है और ताजे सेब है। हर आधे घंटे बाद मेरे राजा को खिलाते पिलाते रहना। जी मालकिन, हर आधे घंटे के बाद मैं इनको खिलाता रहूंगा। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है, बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चप्पलें खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठूं? क्या हुआ बेटा? माँ मेरा लॉकेट अंदर अटक गया है। अरे लॉकेट ये ले। हाँ अब ठीक है। माँ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, अब तू जा नहीं तो मेरी नजर लग जाएगी, चल जा। अबे छतरी हटा, छतरी हटा नंदू, छतरी हटा, मुझे दिखी। आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी लाला जी। नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? छह महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव का चौधरी क्या इकलौते बेटे है कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू? तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? वो क्या है, राजा बाबू का मतलब मालूम है तेरे को? अगर इनको गुस्सा आ गया
तो क्या से क्या हो जाएगा मालूम है तेरे को? चाहे जिस तरह से तुमने ये बर्तन घर से बाहर फेंके हैं, उसी तरह शराफत से बर्तन घर के अंदर रख। चला के नहीं, चलो रखो उठा के चलो। लेकिन मेरे 10,000 रुपए हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। जाओ जाकर हमारे बाबूजी से 10,000 पहले लो। जाओ चुप चुप क्यों राजा को? चलो उठाओ चलो जल्दी रखो। सुहाना सफर और मेरे खर्चा, मेरे खर्चा राजा बाबू। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओहो 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 ओहो। आ रहा चुपे। ए इधर आ, ये सामने क्या लिखा है? हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। राजा बाबू आप नमस्ते। क्या नमस्ते राजा बाबू? इस सिनेमा को इस गांव में रखना कि नहीं? अरे कभी कभी अमिताभ बच्चन के पिक्चर भी लगाया करो। तुम्हें पता नहीं हमारे राजा बाबू अमिताभ बच्चन की पिक्चर से कितने खुश होते हैं। उसकी पिक्चर मालिक 25,000 में मिलती है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? अरे तुमको लाने का कौन बोल रहा है? हमारे राजा बाबू को पैसे की कोई कमी है क्या? जाओ जाकर हमारे बाबू जी से पैसे ले लो। आज रात को हम अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे। ये काली काली ऐसे तो रो रो। नमस्ते अपराधी। क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? सो जाइए ना, सुबह बात। तुम चुपचाप बैठी रहो, मेरा सर फिराओ। मैं जब तक उसे निपट नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्या किया मेरे लाडले? क्या किया है? मेरा मतलब है एक गरीब औरत घर से निकाली जा रही थी, उसे भेज दिया 10,000 रुपए लेने के लिए, बस इतना ही ना? और क्या? और वो जो सिनेमा वाले को यहाँ भेज दिया 25,000 रुपए लेने के लिए, वो अमिताभ बच्चन का शो देख रहे थे तो शहर चला जाता। 25,000 रुपए में शो क्यों देखा उसने? अजी मैं आ गया बेटा, तुम आ तो गए हो। मार डाले को, मार अमिताभ बच्चन, मार। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। लो कश की तो कश। राजा बाबू के सामने से हट। समझते नहीं है यार, आप कुर्सी पे पाँव रखिए। हाँ रखिए। छोड़ छोड़ क्या कर रहे हैं? अरे राजा बाबू आपने 25,000 रुपए खर्चा करके शो खरीदा है, आप कुर्सी पर तो क्या पर्दे पर भी पाँव रख सकते हैं। उधर बैठ। आगे देख। क्या दे रहा है? तेरी माँ मर गई क्या? नहीं। फिर ताली क्यों नहीं बजाता? देखता नहीं कि राजा बाबू को मजा आ रहा है? चल ताली बजा बजा। ये अमिताभ बच्चन की तरह आपका कांधा टेढ़ा क्यों हो गया है? सीधा कर लीजिए। जी 12 बजने को आ गए, अब तो सो जाइए। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन मुझे तो आ रही है ना। तो तुमसे किसी ने कुछ कहा है? जाके सो जा। कैसे सो जाऊं? मैं नहीं होंगी तो पता नहीं क्या करोगे आप। वो मेरा भी बेटा है, गला घोंट के मार नहीं दूंगा उसको मैं। जानती हूँ, लेकिन बाप बाप होता है,
और माँ माँ मैं आ गया माँ। अच्छा वो तो आ गया, बहुत कम वक्त बचा है बेटा। नहीं माँ, मैं तो कोई सुख नहीं दे सकी। कैसी बातें करती हो, सारी जिंदगी मेरे लिए दुख उठाया तुमने, तूने सब कुछ मेरे लिए तो किया माँ। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं हिम्मत देखना चाहती हूँ, हिम्मत। राजा बाबू मत रोइए। ये लो नंदू, ये मुझे एक बार फिर से दिखाने के लिए बोल। थोड़ा पीछे ले और दोबारा शुरू कर। अरे ये क्या घड़ी घड़ी लगा रखा है, कौन बोला, कौन बोला? ए तू बोला बंद कर, तू लाइट चालू कर। कौन सालो, पोकर में पिक्चर देखते हो? मालूम है इस फिल्म के लिए हमारे राजा बाबू के 25,000 रुपया खर्चा हो गए। माफ करना नंदू सेठ, माफ कर दिया, समझता नहीं है तू यार। ए लाइट बंद कर, फिल्म चालू कर। देखिए आपको मेरी कसम है, कुछ मत कहिएगा मेरे बच्चे को। अमिताभ बच्चन ने जैसे त्रिशूल में कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े बनवाने के लिए जाना है। बहुत समझदार हो गया, आपके साथ रहता हूँ ना, फर्क तो पड़ता ही है। मैं तो कहता हूँ कि कल शहर जा रहे हैं, जैसी एम्बुलेंस अमिताभ बच्चन लेके घूम रहा था ना, वैसे ही एक एम्बुलेंस भी खरीद लेते हैं। अटपटे की बजाय उस एम्बुलेंस में घूमेंगे ना तो बड़ा मजा। नहीं आएगा एम्बुलेंस का क्या करेगा, उसमें लेट के अस्पताल जाएगा। तू क्या समझता है इसके बाप के पास नोट छापने की मशीन है? अरे क्यों मेरे पैसे बर्बाद करता तू? क्या बाबूजी, जब देखो आप पैसा 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 करते हैं। अच्छा पैसा पैसा पैसा, दो पैसा कमाएगा तो पैसे की कीमत का पता चलेगा। अरे मगर मुझे पैसा कमाने की जरूरत क्या है? तो क्या करेगा फिर? ये जायदाद किसकी है? किसकी? अरे मेरी है, नहीं तो क्या आपकी है? अरे ये सब मेरे दादा के पैसे, और दादा की जायदाद पर सबसे पहला अधिकार उसके पोते का होता है। नंदू उस दिन शहर में वकील क्या कह रहा था? ऐसा ही कुछ कह रहा था। वकील? तू वकील के पास जाने लगा है? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, जानकी, जानकी क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं अचानक बहुत दर्द हो रहा है मुझे। ए नंदू जल्दी चले जाकर वैसे को लेकर चले जा, बहुत दर्द हो रहा है। तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा वैसे को बुला के ला। नहीं जी, वैसे को आते आते बहुत देर हो जाएगी, मुझे मुझे ही वहां ले चलिए। ला 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 लोरी दो। अरे अरे नंदू इधर इधर इधर, अरे मेरे साथ तस्वीर खिंचवा। आपके साथ तस्वीर? हाँ। आप इतने बड़े साहूकार, हाँ। और मैं इतना छोटा आदमी, हाँ। आपके साथ तस्वीर कैसे खिंचवा सकता? नीचे देख। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अब बैठ। आप कह रहे हैं, खिंचवा लेता हूँ। सुन सुन, तुझे मालूम है कि मैंने तेरे साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? मालूम है, क्योंकि आप अमीरों और गरीबों में कोई फर्क नहीं समझते, आप महान है इसलिए। हाँ, वो तो मैं हूं ही, लेकिन खास वजह ये है कि इन दोनों की तरह तूने भी मुझसे कर्जा लिया है। हाँ, हाँ, 10,000 रुपए। हाँ, हाँ, अगर तू कर्जा न चुका सका, हाँ, और भाग गया तो मेरे पास कोई सबूत तो होना चाहिए। हाँ, तेरी तस्वीर होगी तो पुलिस को तुझे ढूंढ निकालने में आसानी होगी। समझ गया। हाँ, तेरे को कीड़े पड़ेंगे लाले, समझ गया। नमस्कार भाई साहब। प्रणाम ताऊ जी। वो क्या है कि मैं आमों की पैकिंग करवा रहा था, पांकी ने आके बताया कि आप आए, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला। लेकिन आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता? कुछ नहीं भाई, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलते हुए चले, वरना मेरे पास काम ही क्या है, ये बागों का और खेतों का सारा काम तो तुमने संभाल लिया है। हाँ भाई साहब याद आया, बाकी बेटे वो जो वसूली की थी ना वो अपने ताऊजी को दे दो। ताऊजी ये अमरूद के, जवार के। अरे बस ठीक है ठीक है, हिसाब मत दो, मैंने कभी हिसाब लिया है तुमसे? जी। ये लो, ओ ये 10,000 घर के खर्चे के लिए रख। शुक्रिया बाबूजी। अच्छा लखन मैं चलता हूँ। अच्छा भाई साहब। अच्छा अच्छा ताऊजी। अच्छा बाबूजी, ताऊजी प्रणाम। अच्छा जाओ घर में रखो। बेवकूफ, तुझे सारे पैसे देने के लिए किसने कहा था? बापू आपका बेटा हूँ इसलिए बेवकूफ तो हो ही नहीं सकता, मैंने उस माल में से
20,000 रुपए पहले निकाल लिए थे। अरे शाबाश शाबाश कर बला। तो बला। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो बापू, ताऊ जी के पैसे चुरा कर शराब और जुए में उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं। बढ़िया बढ़िया, जरा हाशिए। तो हमेशा की तरह वही साइड का बना दूं? हाँ हाँ बना दो बना दो। और कल मुझे शहर में और भी कुछ काम है, तस्वीर तैयार रखना, मैं कल ले जाऊंगा। अच्छी बात है। राजा बाबू, लगता है आपको ये लड़की पसंद है। हाँ, इतनी पसंद है कि मैंने इसे शादी करने का फैसला कर लिया है। साथ? अरे और लड़के, ये लड़की कौन है? ये फोटो हमारे मालिक ने खींची है, हमको नहीं मालूम कौन है। अरे किसी ने भी खींची हो, हमारे राजा बाबू ये पूछे ये लड़की कौन है। देखो हमारी दुकान में 100 तरह के आदमी फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, अभी हमको क्या मालूम कौन है। ठीक है ठीक है, तुम इसकी तस्वीर हमें दे दो, हम पता लगा लेंगे कि ये लड़की कौन है। अगर ये फोटो मैंने आपको दे दी तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा साहब। अरे मालिक के बच्चे, तेरे को हमारे राजा बाबू को नाराज करने की फिक्र नहीं है? इतना जोर से लाफा मार के मुंह लाल कर दूंगा कि जिंदगी भर ये पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चल जल्दी से फोटो दे। भाभी अच्छी है, बहुत शहर की लगती है। हाँ राजा बाबू, मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है। आपने तो अपनी शादी तय कर ली है, मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ। आपकी शादी में तो मंडप लगेगा ही ना, मैं भी उस मंडप पे शादी कर लूंगा, पैसे भी बच जाएंगे और हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी। अरे भैया ये बाहर गांव की लड़की है। मालूम है, उमर गांव की है। अरे ये उमर गांव की नहीं, ये तो सात समुंदर पार की है। सात समुंदर पार, इतना दूर? रहने दो, ये नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या, आप लोग अपनी दुकान में साफ सफाई नहीं रखते? देखते नहीं कितनी धूल जमी हुई है, बेचारी कीचड़ में फंस गई है। मैं निकालता हूँ। निकल निकल, हाँ, फोटो है, कैसे निकलेगी? अच्छी है। क्या हुआ, ये चलती क्यों नहीं नंदू? है समझती नहीं है यार। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल के काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। राजा बाबू चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। सपनों की रानी मेरी जिंदगानी, जल्दी से आजा, रुत मस्तानी लड़की दीवानी, झलक दिखा जा। सपनों की रानी मेरी जिंदगानी, जल्दी से आजा, आजा रुत मस्तानी लड़की दीवानी, झलक दिखा जा। आजा आजा, देखा जा तुझको जाना।
बन गया हूँ मैं दीवाना, जब मिलेगी तू शहजादी मैं करूँगा तुझसे शादी, बेकरारियाँ कहती है पंचक पकड़ा राजा बाबू, चल गया कोई जादू ना रहा दिल बेकाबू, क्या कर गई हसीना पंचक पकड़ा राजा बाबू, चल गया कोई जादू ना रहा दिल बेकाबू, क्या कर गई हसीना ये कल के अखबार में इससे आज छप जाना चाहिए और ये फोटो भी दोनों छपेंगे छपेंगे ये उसका पैसा ये दोनों छपेंगे तू सुन चड्डी और नाड़ा लेके निकल पड़ खुला खुला देखता है पूरी पैंट पहन के आया कर चल चल संभाल के जा ये छाप देना तू संभाल के जा संभाल चड्डी लापता अरे नंदू ये ऊपर लापता लिखवा के ये नीचे इनके बारे में सब क्या लिखवा दिया तूने ये लड़की पागल है अपने चाचा को नोच कर घर से भागी है और जिसे भी मिलेगी सूचित करने वाले को 10,000 रुपए इनाम ये लिखा है इसमें ये पागल है ये पागल है अरे पागल ये नहीं पागल तू है जिस लड़की को मैं अपनी अर्धांगिनी बनाने की सोच रहा हूँ उसे पागल कहकर उसकी इतनी बड़ी तस्वीर छुपा दी अरे सर तूने क्यों किया राजा बाबू अखबार में जो भी इसकी तस्वीर देखेगा और इसको जानता होगा इनाम के लालच में इसका पता हमें जरूर बताएगा समझते नहीं है अरे पागल अगर अखबार किसी और से पहले इसने पढ़ लिया तो मेरा क्या होगा राजा बाबू नीचे देखिए नीचे इधर नहीं अखबार में पता हमारा नहीं है पता है लाला सुखी राम का जो भी होगा उसका होगा जूते पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे समझते नहीं है आप तुम्हें लाला का पता नहीं हाँ मगर तूने ऐसा क्यों किया उसका फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था इसलिए क्या मतलब राजा बाबू आप इसका मतलब समझेंगे नहीं मेरी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी है बस आप देखिए दो दिन के अंदर अंदर हमें लड़की का पता कैसे मिल जाएगा समझते नहीं है यार ये लाला सुखीराम की दुकान है जी हाँ जी मैं ही लाला सुखीराम हूँ अखबार में इश्तिहार आप ही ने दिया जी हाँ जी हाँ गाड़ी क्यों रोक जी आवाज नहीं सुनी तूने लगता है टायर पंचर हो गया है आवाज यहाँ से नहीं आई तो सामने देखो राजा बाबू वहाँ से आए हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में अखबार में उल्टी सीधी बात छपवाने की ये आप क्या कह रही हैं अरे नंदू ये तो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है मैं पागल हूँ
अपने चाचा को लौटकर घर से भाग गई हूँ। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब तेरी दूर होगी जब मैं तुझे अपने गांव ले जाऊंगी। वहाँ तेरा वो हाल करूंगी कि तेरा सारा पागलपन दूर हो जाएगा। इश्तिहार देना तो एक तरफ, अखबार पढ़ना भी भूल जाएगा, समझा? ले चलो इसे। अबे क्या रहा? कौन है ये लोग? जी लालाजी को उठाकर कहाँ ले जा रही? पास के गांव की लड़की है, अपने गांव उठा के ले जा रही है लालाजी की पिटाई करने के लिए। ओए शर्मारी चाहिए, ओए शर्मारी चाहिए, डूब मरो, ओए कमबख्ता उल्लू के पट्ठा। पड़ोस के गांव की एक लौंडिया हमारे गांव के एक इज्जतदार आदमी को उठा कर ले जा रही है और तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? फटो तुम्हारा। 15-20 आदमी जाओ और उस लड़की का रास्ता रोको। लालाजी से उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करो। अगर वह साली नहीं माने तो हाथ पर बांध कर इधर ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। जाओ। अरे नंदू, चाचा ने तो गांव वालों को तुम्हारी भाभी के खिलाफ भड़का दिया, अब क्या होगा? बैंड बज जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी राजा बाबू। अगर गांव वाले भाभी के हाथ पांव बांध कर इस गांव में ले आए तो शादी के बाद भाभी कभी भी अपना सर उठा के इस गांव में नहीं चल सकेगी। राजा बाबू कोई तरकीब सोचो, सोचो ना। तरकीब सूझ गई है नंदू। सीधी तरह से हमारे लाला जी को छोड़ दो और उनसे माफी मांगो। माफी? और मैं? अरे देख क्या रहे हो, इन आदमियों का भी वही हाल कर दो जो लाला का किया है। नहीं जाऊंगा, आप मेरे घर चलेंगी। आपने मेरी इज्जत उतारने की कोशिश की, अब मैं घर ले जाकर आपकी इज्जत उतारूंगा। तुम लोगों की गाड़ियां हमने रोक ली है, अगर तुम में से कोई भी मत का बच्चा है तो अपनी गाड़ी हिला के दिखा दे। समझता नहीं है यार? अरे देख क्या रहा भाई, ये रक्षा खोलो। अरे भाइयों तथा बहनों, ये धर्मेंद्र जी कहां से टपक पड़े? साउथेंद्र धर्मेंद्र। मुझे ये मालूम होता कि ये हरकतें करे तुम वहां जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं भेजता।
वो तो भला हो इन दोनों का कि बस वो तुम्हारी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। कहीं ऊंच नीच हो जाती तो मैं गांव वालों के सामने शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहता। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है बाबूजी, ये तो मेरा फर्ज था। मगर हम दोनों अपना ये फर्ज अक्सर निभाते रहते हैं। अभी हफ्ता भर पहले 10-15 गुंडों के बीच दो बहनें फंस गई। बस भगवान ने उनकी मदद के लिए हम दोनों भाइयों को भेज दिया और हम दोनों भाइयों ने मिलकर उन गुंडों को इतना पीटा कि वो कुत्तों की तरह भाग गए। वो तो भाग गए लेकिन हम दोनों भाई फंस गए। फंस गए? हाँ। कैसे? वो दोनों बेचारी बहनें अपना दिल हम दोनों भाइयों को दे बैठी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वीरू, भूली बिसरी बातें दोहराया मत करो। जब हम वहां से चलने लगे वो दोनों बहनें हमारे पैरों में गिर गईं और ऐसे रोई जैसे कि बारिश पड़ रही हो। मेरा तो दिल ही भर गया। मैंने वो छोटी वाली मेरी वाली उसकी एक चुम्मी ले ली और उसे कहा जा बस तेरे नसीब में इतना ही है। वीरू मेरे भाई, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। आप ही बताइए बाबूजी हम क्या करें। हम जिस लड़की के लिए लड़ते हैं वो लड़की हमें अपना दिल दे बैठती है, शायद इसलिए कि उन्हें हम जैसे बाकी नौजवान देखने को ही नहीं मिलते। मगर हम क्या करें, किस किस लड़की को अपना दिल दे। आपका मतलब ये है कि कल जब हम यहाँ से जाएंगे तो ये लड़की भी वैसे ही रोएगी और आप भी इसके साथ वही करेंगे जो मैंने उस लड़की के साथ किया था। आप लोगों को मेरे रोने के लिए कल तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। खाना खाइए और चलते बनिए। देखिए हमें बहुत दूर जाना है और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल भी है, इसलिए हमने फैसला किया है कि रात को इधर ही सोएंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। जी नहीं, हमारे घर में मेहमानों के लिए रात को ठहराने का कोई इंतजाम नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी ये ठीक नहीं है, आ जाते इन दोनों को यही रहने दो। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आ जा। कौन है? मेरी यहाँ नींद उड़ी हुई है और तू चैन से खुराटे ले रहा है। आप ही ने तो कहा था कि रात भर यहाँ पर सोएंगे और सुबह उठते यहाँ से चले जाएंगे। वो तो यहाँ पर रुकने का एक बहाना था ताकि मैं रात भर उसे जी भर के देख सकूं। और उसे कितना देखोगे राजा बाबू, जब से आप इधर आए हो उसी को तो देख रहे हो। क्या करूं, मेरा जी ही नहीं भरता। ठीक है, उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। नंदू तो कब नंदू? अगर मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं राजा बाबू नहीं, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी शादी इसी के साथ होंगी। अब देखिए वो भी मुस्कुरा रही है। अरे मगर ये मुस्कुरा क्यों रही है? मुझे लगता है ये आप ही का सपना देख रही है। अच्छा, सपने में क्या देख रही होगी? ये सपने में आपको बुला रही है। तेरी नींद चुराए मेरी दिल न लगे दिल भर।
सजा दूं मैं चांद सितारों से। मांग सजा दूं मैं चांद सितारों से। मधु ने आपको बाहर बुलाया है। आप चलिए, बात है राजा बाबू, भाभी का नाम मधु है। मधुबाला। अच्छा तो हम चलते हैं। जा रहे हैं। नमस्ते, कभी इधर से गुजर हो तो आइएगा। जरूर आएंगे, अगर इधर नहीं आएंगे तो किधर जाएंगे। नमस्ते। लगता है ये कुत्ता मैंने पहले कहीं देखा है। अरे चुप, ये तुम्हें काट चुका है वीरू। इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं, फिर भी इश्तिहार देकर मुझे बदनाम किया। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फिर कोई गलतफहमी हुई है। चुप। मगर गुले बकावली, जब तुम्हारा इससे कोई झगड़ा ही नहीं तो आखिर इश्तिहार देने की कोई वजह तो होगी। वो भी पता चल जाएगा। है? फोटोग्राफर और अखबार का मालिक दोनों आते ही होंगे। लो वो आ गए। जी नमस्ते। तुम्हारी दुकान से मेरी फोटो इस लाला ने खरीदी थी। जी, ये वो नहीं है। आपके अखबार में मेरी फोटो छपवाने के लिए यही आया था ना? ये चौड़ा नहीं था। अगर इस इंसान की मेरा मतलब दाढ़ी निकाल दी जाए, जो मेरी दुकान में आया था उसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिलती है। दाढ़ी निकलवाने के बाद इस कंडे की फराक बदलवा के चड्डी पहना दी जाए और दो नाड़े लटका दिए जाए तो ये वैसे ही लगेंगे जिसने फोटो छपाया था। चड्डी। तुम लोग जा सकते हो। थैंक यू। और तुम लोग? हमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं गुले बकावली, हम जा रहे हैं। मामी, मैं एक नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। सुनिए, मैं दरवाजा खोल। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। जहाँ पर खटिया मिली हम वहीं पे सो लिए। जो भी प्यार से मिला। नमस्ते जी। नमस्ते, कहिए। हम लोग विधवा आश्रम से आई हैं चंदे के लिए। एक मिनट। माँ जल्दी नीचे आओ, तुमसे मिलने के लिए विधवा आश्रम से कुछ औरतें आई हैं। हाँ हाँ हाँ, आइडिया आइडिया। उस दिन पार्टी में कितना मजा आया। बेटी रानी, विधवा आश्रम से कुछ औरतें आपसे मिलने आई हैं। चलो देखते हैं। क्या चाहिए आप लोगों को? हमें आपका प्रेम चाहिए रानी। हम दुखियारी विधवाएं आप ही के प्रेम के सहारे जिंदा हैं। हेलो। ठीक है ठीक है, बोलिए क्या चाहिए आप लोगों को? आशाएं तो हमें आपसे बड़ी बड़ी है, मगर प्यार से हमें आप जो कुछ भी दान कर दे हमें स्वीकार होगा, है ना? क्यों नहीं, जो कुछ भी चाहिए अपनी छोटी बहन समझकर मांग लीजिए। बहन? जी 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 जी, वो तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। क्यों? इसलिए कि अभी आप कुंवारी हैं, सुहागनों में उठने बैठने वाले आपके दिन है। भगवान न करे कोई ऐसा दिन आए कि हमें आपको बहन कहना पड़े। ये सब अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसीलिए आजमाने चले आए। ये लीजिए। आपका बहुत
बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही उम्मीद थी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। जुग जुग जियो मेरी रानी, भगवान करे तुम्हें बहुत सुंदर वर मिले, बिल्कुल राजा जैसा। अच्छा मैं चलती हूँ। राजा सुनिए, कहिए ऊपर कर। इस राजा नाम से मुझे बहुत प्यार है। सच? भगवान करे तुम्हारा वर राजा ही होगा, राजा ही होगा, राजा ही होगा। आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं आपको कुछ और देना चाहती हूँ। ले ले, दे दे। पता नहीं लड़की विधवा पर हाथ उठाती हो। राजा की आएगी बारात। पूजा निशा कमल मगन मैं। अरे राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर वो तुम्हें मारेगी। चुप बे, वही तो मुझे तारेगी। राजा इधर आ, इधर आ। क्या बात है, आजकल सुबह सुबह उठ जाता है, इतनी जल्दी उसके जाता कहाँ है सवेरे सवेरे? मंदिर गए थे देवी के दर्शन करने। ओ, कोई बहुत प्रताप वाली देवी लगती है। अरे उसके प्रताप का मत पूछो माँ, एक बार दया कर दे मेरी जिंदगी सवर जाएगी। क्या उम्र होगी उस देवी की? होगी 18-19 साल की। नहीं नहीं नहीं, कभी देवियों की भी कोई उम्र होती है। लेकिन इस देवी की उम्र है 18 या 19 साल की, है ना? मगर राजा तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे बाबूजी ने तेरी शादी बचपन में ही तय कर दी थी अपने दोस्त की बेटी के साथ। मैं जानता हूँ माँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मेरी माँ चाहेगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है। माँ, माँ तेरी कसम, माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ उसे मेरी शादी करा दो। अच्छा बाबा, अच्छा बात करती हूँ तेरे बाबूजी से, अगर वो मान गए तो कल ही तेरा रिश्ता लेके उसके घर जाऊंगा। तो क्या है मेरे बेटे ने जब से आपकी बेटी की तस्वीर देखी वो दीवाना सा हो गया है, और आपकी बेटी को रिझाने के फिराक में उसने लाला जी को फंसा दिया। अरे अरे साहब, फंसाया क्या, मुझे तो नंगा करके पीटा है, जानवरों की तरह बांध दिया, खाना तक मुझे नहीं दिया। लाला जी मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं अपनी बहू से मिलके आती हूँ। मधु, तुम्हारे पापा ने तो सब बातें तय कर ली है, फिर क्यों घबरा रही हो? बात घबराने की नहीं है, मेरी जब उससे मुलाकात हुई थी तो वो कुछ अजीब से भेस में था, उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी। अब सोचती हूँ उसकी एक फोटो देख लेती तो अच्छा था। बेटी तुम पढ़ी लिखी हो, ये अच्छी बात है कि शादी से पहले अपने दूल्हे की फोटो देखना चाहती हो। लो देखो, मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है। जानकी? हाँ जी आई। देखने में तो बहुत बड़ा वकील लगता है। जानती हो मुझे हमेशा डर था कि मेरी शादी किसी कम पढ़े लिखे लड़के से न हो जाए, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। चंद्रमोहन अचानक? अरे अचानक तुमने पहाड़ हमारे सर के ऊपर तोड़ डाला, हमने सुना कि तुमने राजा बाबू की शादी कहीं और तय कर दी। अरे कुछ तो बचपन की दोस्ती का लिहाज किया होता, जब से इसने सुना ये तो बेचारी रो रो के पागल होती जा रही है, देख इसको। हाँ भाई साहब, बचपन से लेकर आज तक हमने अपनी बेटी को यही दिलासा दिया था कि उसकी शादी आपके बेटे राजा से होगी। मैं शर्मिंदा हूँ बहन, अब जो हो गया सो हो गया चंद्रमोहन, लेकिन तेरी बेटी मेरी बेटी है, उसके लिए वर मैं तलाश करूंगा, उसकी शादी मैं करूंगा, सारा खर्च मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन राजा को भूल जाओ, क्योंकि वो लड़की राजा की जिंदगी है, उसकी खुशी है, पर ये पगली अपने बेटे को किसी हालत में दुखी नहीं दिख सकती। मैं हाथ जोड़ता हूँ, चल इतनी मेहरबानी कर। लगता है ये घर उन्हीं का है। हाँ हाँ, चल चलो चलो। भाभी, ये क्या, आप शादी से पहले ही बिना बताए आ गई है? कोई बात नहीं, ए कुर्सी ला, अरे वो टेबल ला, अरे मैं तो कहता हूँ खाटी लेकर आ जा, अरे कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आ, कोई सुनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक काम करो अंदर ही चलो, लेकिन मालिक और मालकिन तो कार्ड मारने के लिए बाहर गए हैं। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं आप, मैं हूँ ना उनका नौकर नंदू, सबका बंधु। ए आप भी आओ ना साहब, आइए आइए जल्दी आइए आइए, आइए आइए अंदर आइए आइए, यह राजा बाबू का घर, आइए 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 आइए, अरे आइए आइए। ये कौन है? ये
यह है राजा बाबू के दादाजी और दादी जी। आइए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। आइए आइए, आपको होने वाले पति की तस्वीरें। ये अमिताभ बच्चन दीवार वाले पोज में, ये धर्मेंद्र धर्मवीर वाले पोज में, ये राज कपूर जी 420 जी, और ये जतेंद्र हिम्मत वाला। लगता है फिल्मों का बहुत शौक है इन्हें। इतना ही नहीं, जब अदालत फिल्म लगी थी ना, उसी फिल्म के अमिताभ बच्चन के पोज में एक महीने तक हमारे राजा बाबू गांव भर में घूमते रहे थे। अंदर की बात बताऊं, हमारे राजा बाबू शादी के बाद आपको श्रीदेवी के पोज में देखना चाहते हैं। चांदनी में जैसे श्रीदेवी ने कपड़े पहने थे ना, वैसे ही कपड़े आपके लिए खरीदने वो बाजार गए हैं। आप कहो तो मैं आपके लिए दर्जी बुलाऊं। ये सब तस्वीरें, ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए वकील के पोज में है, ये देखिए डॉक्टर के पोज में, ये देखिए इंस्पेक्टर के पोज में। बस जहाज चलाने वाले कप्तान की तस्वीर बाकी है, खिंच गई है, दो एक रोज में लग। ये आप सोच क्या रही हैं? राजा बाबू कहाँ तक पड़े हैं? पांचवी में पांच बार फेल। क्यों रे नंदू, हमारे होने वाली बहू पहली बार हमारे घर आई और तू हमें बताने तक नहीं आया। क्या है ना बेटी, आज शुभ दिन है ना, इसीलिए मैं और तेरे ससुर जी गांव में न्योता देने निकले थे। देख तो बस अब इतने ही कार्ड रह गए हैं, और इन्हें बचाकर ही रखना, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? बहू कौन बहू, किसकी बहू? मैं तुम्हारी कोई बहू बहू नहीं हूँ। क्या बात है बेटी, क्या हो गया तुम्हें? किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी किस्मत अच्छी है इसीलिए सच्चाई अपने आप मेरे सामने आ गई। आपके पांचवी क्लास फेल अनपढ़ गवार बेवकूफ बेटे के साथ मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मेरे बेटे को बेवकूफ कहा तूने? अच्छा छोड़ो, चार क्लास क्या पास कर ली, मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहेगी? सुना आपने, ये कहती क्या है मेरे बेटे को, अनपढ़ गवार है मेरा बेटा, क्या कहना क्या है तुझे? अरे छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है, शादी के कार्ड बन गए, लोगों को पता है कि शादी होने वाली है, कभी शादी के लिए हाँ कहती कभी ना कहती, ये कोई बात है? अरे छोड़ो ना, क्या समझती क्या है तू अपने आप को? बेटी, ए बेटी, सबसे पहले तो मैं अपनी पत्नी की वजह से तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ बेटी। और दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी पागल है, अपने बेटे के खिलाफ किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकती। बेटी जाने से पहले एक बात सुन ले, अपने आप को मेरी जगह पर रख के सोच, मैं इस गांव का एक इज्जतदार आदमी, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटी, अपना फैसला बदल दे बेटी। आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, और अगर आपको अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो शादी तय करते वक्त आप अपने अंगूठे छाप बेटे की असली तस्वीर लाते, वकील के लिबास में खींची हुई तस्वीर लाने की क्या जरूरत थी हमें धोखा देने के लिए? नहीं बेटी, इतना घमंड, तेरी इतनी हिम्मत कि तू शादी के कार्ड का टुकड़े टुकड़े करके मेरे पति के मुंह पे दे मारे? आप इसकी बात का देखिए, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो तो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं वो क्या कर रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सुनिए, ये तूने ठीक नहीं किया बेटी, तू नहीं जानती क्या किशन जी की उस गांव में कितनी इज्जत है, एक इज्जतदार आदमी की अगर इज्जत चली जाए तो उस पर क्या बीतती है तुझे इसका एहसास नहीं? तुझे अभी इसी वक्त मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं डैडी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तेरी गलती यह है कि वकील के लिबास में राजा की तस्वीर देखकर तू उसे वकील समझ बैठी। तेरी गलती यह है कि तूने उनसे यह नहीं पूछा कि उनका बेटा वकील है या नहीं। जब बेटा वकील नहीं अनपढ़ है
तो पढ़े लिखे लोगों की तरह तस्वीरें खिंचवाकर घर में रखने की क्या जरूरत है? बेटे वो अनपढ़ है, शायद उसे इसीलिए पढ़े लिखों की तरह तस्वीरें खिंचाने का शौक है। बेटे इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर शादी से इनकार कर देना ये भी तो ठीक नहीं। आपके लिए छोटी सी बात होगी डैडी, लेकिन मेरे लिए नहीं। प्लीज आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं एक अनपढ़ आदमी से शादी हरगिज नहीं कर सकती। कौन है आप लोग? हम लोग टीचर्स हैं। आपके स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर आपके काबिल बनाने आए हैं। आए आए बैठिए अनपढ़ जी। नमस्ते टीचर। नमस्ते स्टूडेंट। बोलो ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। सी फॉर कैट। नहीं, सी फॉर कार्ड, मैरिज कार्ड। भाभी भाभी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, मेरी भोली भाभी, राजा की नैया बीच मवर में गुड़ गुड़ गोते खाए, भाभी पार लगा दे और झटपट पार लगा दे और झटपट पार लगा दे। शट अप।
जादू तेरे गोरे गालों में, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी, तुझसे बनेगी मेरी कहानी, मैं सिवा तेरे किसी भी और को पहचानू ना। अरे किशन सिंह, तुम शादी के कार्ड सारे गांव में बांट आए हो, और अगर अब शादी नहीं हुई तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? हाँ भाई साहब, गांव में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ आप हाँ कर दीजिए तो मैं गांव से अपनी बेटी को बुला लूँ, शादी की तारीख में शादी भी हो जाएगी और आपकी नाक भी रह जाएगी। चुप रहिए आप लोग, अपने मतलब के लिए बातों में मिर्च मसाला लगाकर इनका दिल और बतू खाइए। सुनिए जी, आप इन लोगों की बातों में मत आइए, आपकी इज्जत जितनी इस गाँव में थी आगे भी उतनी ही रहेगी, यकीन कीजिए। मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारी जबान में इसे तंबू गाड़ना कहते हैं। भाभी जी, ये आपके घर के सामने तंबू इसलिए गाड़ रहे हैं ताकि इसकी साए में बैठ के ये भूखता कर सके। इसका मतलब तमाशा करके लोगों के दिलों में हमदर्दी जगाना चाहते हो? मुझे लोगों से क्या मतलब? मेरा मतलब तो सिर्फ तुमसे है मधु। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती राजा, उसके बावजूद तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अगर आदमी पसंद ना आए तो ये बात अलग है, मगर पसंद आने और शादी के कार्ड बजाने के बाद सिर्फ इस बात का पता चले कि वो अनपढ़ है इसलिए शादी से इनकार कर देना, ये बात तो गलत है। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु में अपनी जान दे। इस मोमबत्ती के बुझने से पहले? उस मोमबत्ती के नहीं, इस मोमबत्ती के बुझने से पहले। My foot। भाभी, भाभी, भाभी। मधु, मुझे नहीं लगता ये दीवाना इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। और नहीं तो क्या, देखो ना कैसे प्रेम की जोत जला के तंबू गाड़ के भूख हड़ताल करने बैठ गया। डोंट वरी अबाउट हिज तंबू, आज रात तक इसका तंबू भी उखड़ जाएगा और कल तक ये भी सुधर जाएगा। के लिए नहीं, सिर्फ सबक सिखाने के लिए कहा था। ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से। माधु, तुम लोग जाना नहीं है, जाना नहीं है भाई। दरअसल ये लोग मुझे मार नहीं रहे थे, मैं मार खा रहा था। मैं देखना चाहता था कि मुझे मार खाता देखकर तुम्हें खुशी होती है या तकलीफ, मगर मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं का कैसा हाल करता हूं। Thank you.
आप क्या कहती हो मधु? बात अगर जिद की है राजा, तो मेरी भी एक आखिरी बात सुन लो। अगर तुम इस मोमबत्ती के बुझने से पहले यहाँ से नहीं गए, तो तुम तो अपनी जान बाद में दोगे। उससे पहले मैं तुम्हें खुदकुशी करके दिखा दूंगी कि जान किस तरह दी जाती है। नंदू, इन दोनों की लाश उठाकर बाहर फेंक दो। तुरंत मोटरसाइकिल निकाल, हम लोग गांव जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं नंदू, आज मधु ने वो कह दिया है तो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। हम जा रहे हैं। जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। मुझ जैसे अनपढ़ के लिए इसे गंवाने का ख्याल दोबारा कभी अपने मन में भी मत लाना। मत किशन सिंह, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ने के लिए और गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी उसी तारीख को होनी चाहिए। सुनो चंद्रमोहन, तुम शादी की तैयारी शुरू करो, मेरे बेटे की शादी सिर्फ तुम्हारी बेटी से होगी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन सिंह। अच्छा मैं मिठाई लेके आता हूँ। अरे राजा बेटा, राजा बेटा, सुना तुमने? तुम्हारे बाबूजी ने जिस तारीख को शादी तय की थी उसी तारीख को शादी होगी। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्र काका, शादी भी उसी तारीख को होगी और लड़की भी वही होगी। मधु, क्या वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई? राजा, अभी तक तो राजी नहीं मां, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी राजी हो जाएगी। अरे वो राजी होने वाली कौन होती है? मैं राजी नहीं हूं, उस लड़की से तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। बाबूजी, आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें सारी गलती मधु की तो नहीं, कुछ गलती हमारी भी है। आखिर वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है और मैं कब रहने लायक? उस लड़की की तरहदारी करा जिसे सारे गांव के सामने मुझे सही किया, मेरा सर झुका दिया। पूरे गांव के सामने अपना सर झुकाकर वो आपसे माफी भी मांगेगी बाबूजी? मैं किसी से माफी नहीं मंगवाना चाहता, मैं सिर्फ ये शादी करवाना चाहता हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, मतलब वो लड़की तुझे बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी है? बाबूजी, मुझे तो आपकी इज्जत भी प्यारी है और मधु से भी प्यार है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मधु से शादी करूंगा, ताकि आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा प्यार भी बच जाएगा। नहीं बेटे, बाबूजी से ऐसी बात नहीं करते। और तेरे दिल में घर छोड़ने की बात कैसे आई? तो क्या करूं मां, शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। और अगर बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे तो जिद में मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, आखिर इन्हीं का खून हूँ। खून? सही रंग दिखाया तेरे खून ने। शांति, मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ, आगे कुछ भी मत कहना। सुनने के लिए घर धोती है जानकी बहन, बहुत बोल लिया इसने। अरे अगर मेरी बात आपको इतनी कड़वी लग रही है तो बंद कर लीजिए अपने कान, मगर हमारे घर के मामले में बाहर वालों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर वाले? हम बाहर वाले और तू घर वाला? अरे असलियत पता चलेगी तो तेरे पाँव तले जमीन निकल जाएगी। भगवान के लिए चुप हो जा शांति। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इस घर का इकलौता वारिस हूँ मैं। लोग मुझे राजा बाबू कह के पुकारते हैं, छोटे मालिक कहकर सलाम करते हैं। मालिक? मालिक तो क्या, तू तो इस घर का नौकर भी नहीं है। शांति, तू तो एक अनाथ है, लावारिस है तू। शांति, और मैं वो हूँ जिसने तुझ अनाथ को मंदिर के सीढ़ियों से उठाकर इसकी झोली में डाल दिया था। क्या कहा? ये बात कहने से पहले तेरी सबूत क्यों नहीं सजाई? जिंदगी है तू, मैं तेरी बहू, अब
बोलती क्यों नहीं? बोल दीजिए कि औरत झूठ बोलती है, बता दीजिए इसे, कह दीजिए ना कि राजा हमारा बेटा है, हमारा बेटा है राजा, हमारा बेटा है। ए राजा, मैं 100 बार मर के भी जन्म ले लूं ना, फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। माँ, अरे माँ, तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। बाबूजी, अब तो आपकी मर्जी मेरे लिए भगवान का हुक्म है, आप जहां बोलेंगे जिधर बोलेंगे मैं शादी करूंगा। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु मैं अपनी जान दे दूंगा। शादी के 7 साल तक तेरे ताऊ को कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं बार बार उससे कहता रहा कि मेरे दोनों बेटों में से एक को गोद ले लो, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टालता रहा। उन्हीं दिनों भाभी अपने मायके गई और जब 1 साल बाद वापस लौटी तो उनकी गोद में एक नन्ना सा बच्चा था। तेरे ताऊ ने आकर कहा कि लखन मुबारक हो, मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें भी औलाद दे दी उसने। अच्छा तो ये थी वो औलाद, ये था वो बच्चा, यही अनाथ राजा जो आज तक हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे ही घर में रह के हमारा ही खाके हम पर ही हुक्म चला रहा है। सारा कुत्ता पता नहीं किस गांव का है, किस परिवार का है, और हमारी छाती में बैठ के मुंह डल रहा है। भाभी जी, थोड़ी सब्जी देना तो बोलो। साले, हम लोग यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तेरे पेट में आग लगी हुई है। दोबारा बीच में बोला तो 7 दिन तक भूखा रखूंगा, समझा? बाबू जी, ये तो अनर्थ है, ना इंसाफी है कि हमारे घर की जायदाद किसी पढ़ाई को चली जाए। जरा सोचो बाबू जी, अगर ताऊ जी हम दोनों भाइयों में से किसी को गोद ले लेते तो आज ये जायदाद हमारी नहीं होती। बिल्कुल होती बांके, बिल्कुल होती। जो उस वक्त नहीं हुआ वो अब होगा, तू फिक्र मत कर, वो जायदाद हमारी यार हम ही को मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कर भला तो हो भला। राजा बेटा, कहाँ चला गया? राजा, राजा, राजा बेटा, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? राजा, मैं पराई, टूट गए ना मुझसे तेरे सब रिश्ते। क्या कह रही हूँ माँ? और नहीं तो क्या, ये सब काम तो अपने शौक से कर रहा है। अरे तो घर का काम करने में क्या बुराई है? हमेशा अमीर माँ बाप का बेटा बनकर अपनी जिम्मेदारियों से आंख चुराता रहा, मैंने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया ना माँ। नहीं रे, नहीं मेरे बच्चे, तूने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, बस आज मेरा दिल दुखाया है। मैं तुझे इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती बेटे। बस यही कारण था कि मैंने तुझसे आज तक ये राज छुपाए रखा कि तूने तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं जानती थी
कि जिस दिन ये पहाड़ तुझ पे टूटेगा तू सह नहीं पाएगा। अरे तू इतना रो क्यों रही है माँ? मुझे मालूम है कि अब तू ये घर भी छोड़ के चला जाएगा और मुझे भी छोड़ के चला जाएगा। ऐसे कभी हो सकता है? पहले तू बोल, खा कसम मेरी के मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। खा कसम बोल, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। नारे मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लो चंद्रमोहन, बिल्कुल ऐसी कार्ड छपा देना। ऐसे का छपा दूं? अरे भाई, शादी के कार्ड में सब कुछ वैसे ही तो होता है। उस लड़की का नाम कटवा के अपनी बेटी का नाम छपवा देना। अरे अभी आता हूं। राजा बाबू, ये देखो अखबार में आपकी फोटो छपी है। इसमें लिखा है, राजा बाबू नाम का लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। जब से वो गया है ना, मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मधुबाला, ये कैसे हो गया नंदू? आपने जो प्रेम ज्योति जलाई थी ना, ये उसी का फल है। लगता है उसके दिल में आपके लिए प्रेम जाग गया है, तभी तो आपकी फोटो अखबार में छुपवा कर ये सब कुछ लिखवाया है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से उसके गाँव चलते हैं। मुझे भी अपनी वाली से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वक्त पे उसकी आंखें खुल गई। सुनिए जी, आप शादी के कार्ड की छपाई को रोक दीजिए। वो लड़की अपने किए पे शर्मिंदा है। देखिए तो, हमारे राजा की फोटो छपा कर हमसे माफी मांगी है। मेरा मतलब है, माफी ऐसे ही थोड़ी हम उसे माफ कर देंगे। मैं उसके घर जाऊंगी, उसे खूब डांटूंगी, उसे यहाँ लेकर आऊंगी, आपसे माफी मंगवाऊंगी, तभी उसे माफ करना, वरना। तू क्या कहना चाहता है? एक बात बता, तू मेरा बेटा है या नहीं? क्या सर पैर वगैरह? तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूं। तू मेरा बेटा है या नहीं? पर ये अखबार वाली लड़की, ये वही है ना जिसने शादी का कार्ड फाड़ के तेरे बाप के मुंह पे मार दिया था? फिर भी तू इससे शादी करना चाहता है? इन सब के बावजूद तेरे दिल में उसके लिए प्यार है? अरे मैं तुझसे पूछा, बोला बेटा, शाबाश। आओ। शादी यही करवाने की बात कर रहे थे ना तुम, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी यही बुलवा भेजा। सोचा राजा बाबू से भी मिल लेगी। ठीक है, अंगूठे निकाल। आपकी इससे शादी होने वाली है? कहती हूँ अंगूठा निकाल। हे भगवान, राजा बाबू की इससे शादी होने से पहले मुझे उठा ले। पहचान गई मैं तुम्हें, तुम ही राजा हो ना? कितने बड़े हो गए तुम। तू भी तो कितने बड़े हो गए हैं। बहन जी, आपसे एक बात पूछो। पूछो। आपकी बेटी को अंगूठा चूसने की आदत जवानी में पड़ी या पैदाइशी है? पैदाइशी है, मगर कहते हैं ऐसी आदतें शादी के बाद छूट जाती है। आपकी छूट गई थी? चुप, बदमाश कहीं का। चल बेटी, अंदर चल। राजा, तेरे बाबूजी से मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मगर इस पगले से तेरी शादी करा के मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। अगर फांसी का फंदा तैयार हो ही गया है तो इसे अपने गले में डालने के बजाय मेरे गले में डाल दो। मैं खुशी खुशी झूल लूंगा, लेकिन आपको लटकने नहीं दूंगा। नंदु, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। बाबूजी ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए। अरे अंगूठा छाप होने की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होनी चाहिए कि अंगूठा चूसने वाले के साथ ही शादी करवा दी जाए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होगी। नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं कहती हूँ माँ, we'll be right back.
तो सुनो। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मेरे लगा इस तरह का हंगामा करके आए? राजा, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बिना जी सकोगे? नहीं। तो फिर इस तरह मुंह क्यों फेर रहे हो? मधु, जिन लोगों ने मुझे पाल पोस कर आज इस लायक किया जिससे तुम प्यार कर सको, आज जो लोगों के एहसान का पलड़ा तुम्हारे प्यार पर भारी पड़ रहा है। क्या मतलब? फूलों के पालने में पाला है उन लोगों ने इस अनाथ को। बचपन में जब छींक आ जाती थी ना तो माँ बेचैन हो जाती थी, जब बुखार आ जाता था ना तो बाबूजी आसपास के गांव के तमाम वैद्य और हकीमों को इकट्ठा कर लेते थे। बड़े बड़े नसीब वालों को इतना प्यार नहीं मिलता जितना प्यार मुझ बदनसीब को मिला है। मालूम है माधु, तुमने तो राजा बाबू से प्यार किया, जमींदार राजा बाबू, मगर ये राजा बाबू एकदम कंगाल निकला। मेरे पास अपना कुछ नहीं है इस दुनिया में। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राजा, जो प्यार की जोत तुमने मेरे दिल में जगाई है अब उसे तुम तो क्या सारी दुनिया नहीं बुझा सकती। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अपनी पढ़ाई के घमंड में मैंने जो कुछ भी कहा था उसे मेरी नादानी समझकर भूल जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, माफ कर दिया, अब तुम भी मुझे माफ करो। बाबूजी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो इस तरह मुंह फेर कर क्यों जा रहे? देखो, मेरे बेटे का एक लड़की के साथ मैंने रिश्ता किया था, उसके लिए कार्ड भी छपवाए थे। वो कार्ड भरी महफिल में मेरे मुंह मारे गए थे, वो बात मैं भुला चुका हूँ। मेरी पत्नी ने मुझको बताया बिना तुम्हें वो तस्वीर दिखाई थी जो मेरे बेटे के वकील के लिबास में थी, उसके लिए भरी महफिल में मुझे फिर जलील किया गया, वो बात मैं भुला चुका हूँ। उस बात के लिए मैं अपनी पत्नी को माफ भी कर दिया है, सब भुला दिया मैंने। बाबूजी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं आपके बेटे के बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए बाबूजी। बेटी, ये देखो, मैंने अपने बेटे का एक और जगह रिश्ता तय किया और उसके लिए कार्ड भी छप गए हैं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ आप ये शादी कैसे करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मेरे गले में मंगलसूत्र आपके बेटे के हाथों ही पड़ेगा। क्या बदतमीजी कर रही है तुम मेरे बाबूजी के साथ? मेरे बाबूजी जो कहेंगे वही होगा, ये जिसके गले में मंगलसूत्र डालने के लिए कहेंगे मैं डाल दूंगा। राजा, ये तुम क्या कह रहे हो? सबके सामने कुछ कहते हो, अकेले में कुछ और कहते हो। मेरे दिल पे क्या गुजरती है इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? बेदर्दी कहे के। अरे किसनवा, अरे मुझे तो ऐसा क्या कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। अरे मुझे तो इस लड़की की बातों का डर नहीं, हमारा शक तो राजा पर है। बाबूजी, आप मुझे शक की निगाह से मत देखिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरी शादी काका की बेटी के साथ ही होगी। आप कहे तो मैं अभी उसके गले में मंगलसूत्र डाल देता हूँ। नहीं, मुझे विश्वास है तुझ पर। कौन है तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो जी, यहाँ नहीं आऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? देखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कल किसी तरह मैंने अपने आप को बाबूजी से बचा लिया, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो। बाबूजी आ रहे हैं। अरे बाबूजी आ रहे हैं। देखो राजा, अब अगर मैंने भागने की कोशिश की तो वो लोग मुझे देख लेंगे, मैं इस घास में छुप जाती हूँ, जब वो जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, तुम छुप जाओ। अरे अरे सुनो, बाबूजी के जाते ही मुझे आवाज दे देना। हाँ हाँ, दे दूंगा। राजा जी। बाबूजी, मैंने तुझसे कहा था दूसरों से काम करवाना, तूने खुद शुरू कर दिया। तो क्या करूं बाबू, कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने चाहिए। मार गया। क्यों? धूप 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 होते बाबूजी, आप बहुत छाव में खड़े रहकर बात कीजिए ना। अरे कहाँ है धूप, चल काम कर, जुकाम से मरना है कदा धूप है।
तू जा ऐसे। तेरा भूख तो बैग क्यों कर रही है, थोड़ा सा और डाल। अरे नहीं मैंने डाल दिया, तू जा ऐसे। अरे बेटा क्या है, क्यों जिद कर रहा, थोड़ी सी घास डालना चाहते तो डालने देना। नहीं नहीं बाबूजी, वो ज्यादा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। घास खाने से तू तू जा ऐसे। ये क्या हो रहा है बाबूजी, आइए छांव में खड़े रहते हैं। यहां क्या हो रही है, आइए ना। अच्छा बाबा चल। ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ पर कहाँ से आया? अरे ये तो किसी लड़की की ओढ़नी लगती है। अरे क्या काका, किसी भी फालतू कपड़े को ओढ़नी कहते हो, कोई फेंक गया होगा है? कितने भोले हैं, रेशमी कपड़े की भी पहचान नहीं है इनको। अजी सुनिए, आपके बाबूजी गए या नहीं, घास पे बहुत खुजली हो रही है। ये तो अच्छा हुआ क्या आपके चुमने से पहले बाबूजी आ गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे भाभी आप लोग, अरे राजा जी आपने बताया क्यों नहीं कि ये लोग अभी तक गए नहीं, मैं चलती हूँ। चुम्मा याद रखोगे ना? ओह मेरी ओढ़नी कहाँ है? ये लीजिए आपकी ओढ़नी भाभी जी। अच्छा राजा, राजा जी कल फिर मिलूंगी। देखा आपने, एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही है और दूसरी तरफ रास लीला मनाई जा रही है। बाबूजी ये लड़की झूठ कह रही थी, इसे आते ही मैंने जाने के लिए कहा, मगर आपको आता देखकर ये घास के डेरे में घुस गई। मेरा यकीन मानिए बाबूजी, ये लड़की जो कह रही थी झूठ कह रही थी। एक बात याद रखना राजा बेटा, तेरी शादी की गांठ से मेरी इज्जत बंधी हुई है। इधर तू औरतों में क्या कर रहा था? हथियार मर्दों में चल, जब तक मारते रहते। आइए भाई साहब, आइए आइए बहन जी। पुलिस, मालिक जी पुलिस आ गई। अरे किशन सिंह इस समय यहाँ पुलिस क्यों आई है? चलो देखते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते चौधरी साहब, कैसे आना वो? माफ कीजिए मगर ये शादी आप नहीं करवा सकते। अरे किशन सिंह जिस बात का डर था वही हुआ, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अरे यार तुम ठहरो तो सही। तो कुछ कर ले यार। क्यों क्यों नहीं कर सकते शादी? जरा कार्ड दीजिए प्लीज। थैंक यू चौधरी साहब। ये कार्ड सबसे पहले आपके बेटे राजा की शादी के लिए छपाया गया था। जी। इसमें जो नाम लिखा है मधु, वो इसी लड़की का नाम है क्या? जी। फिर आप इस लड़की से रिश्ता तोड़कर अपने बेटे की शादी दूसरी लड़की के साथ क्यों करवा रहे हैं? रिश्ता मैंने नहीं तोड़वाया था, इस लड़की ने खुद शादी से इनकार किया था। शादी से इनकार मैंने नहीं किया था इंस्पेक्टर साहब, बल्कि इन्होंने खुद रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए कि शादी तय करते वक्त इन्होंने दहेज में 25 लाख मांगे थे, मगर अचानक शादी के 4 दिन पहले 50 लाख मांगने लगे। मेरे पिताजी ने तो कहा कि अब जबान से फिर रहे हैं, मैं 50 लाख नहीं दूंगा। बस इन्होंने फौरन दूसरी लड़की से अपने बेटे की शादी तय कर दी। ए लड़की, खबरदार मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो। मैंने तुम लोगों से जायज मांगा था? कब मांगा था मैंने? आप रुकिए, मैं बात करती हूँ। मधु बेटी, तू मेरे बेटे को पसंद करती है, उसे शादी करना चाहती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सब झूठी कहानियां बनाकर मेरे पति को सारे गांव के सामने बदनाम कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है। चौधरी साहब हो सकता है सारी गलती इस लड़की की हो, मगर इस दहेज के बारे में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है, इसलिए आपको थाने चलना होगा। ठीक है आप ये शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद जहां कहेंगे हम चलेंगे आपके साथ। माफ कीजिए चौधरी साहब, अदालत का फैसला आने तक ये शादी आप नहीं करवा सकते, वरना मजबूरन आपके साथ मुझे दूल्हे को भी गिरफ्तार करना होगा। बाबूजी मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मगर आप ये शादी कीजिए। शाबाश बेटे, जीते रहो जीते रहो। यार ये सब क्या हो रहा है? मधु, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे भूल जाओ, मैं अपने बाबूजी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राजा, तुम्हें नहीं तो मुझे सलाह दी थी कि शादी के दिन ऐसे आकर कहना शादी रुक जाएगी और तुम मुझसे मंदिर में शादी कर लोगे, अब तुम्हें मुझे जाने के लिए कह रहे हो? अरे तुम्हारे दिमाग को दिखाना पड़ा है, मैंने तुम्हें कब सलाह दी? बाबूजी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? ससुर जी आप ही नंदू से पूछ लीजिए, उस वक्त वो भी वहाँ था। नंदू चल बाबूजी को सच बता दे,
बता दे कि साजिश में मेरा कोई हाथ नहीं था। राजा बाबू, आप तो जानते हैं कि मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप सब लोग मेरे बिना कुछ बोले ये समझ जाइए कि सच क्या है और झूठ क्या है। नंदू, बाबूजी, बाबूजी झूठ बोला था बाबूजी। ये बाबूजी, आप मुझे शक्की निकाह से क्यों देख रहे हैं? ये लड़की झूठ बोल रही है, आप मेरा विश्वास कीजिए ना बाबूजी। निकल जाए, निकल जाओ मेरे घर से। नमक हराम। क्या कहा आपने? नमक हराम? हाँ हाँ, नमक हराम। नमक हराम ही नहीं बल्कि ये गंदी नाली का वो किला है जिसने आज ये साबित कर दिया कि पराया खून पराया होता अपना कभी नहीं हो सकता। बस कीजिए। एक मरतबा नहीं, 100 मरतबा मैंने इस जलील से पूछकर इसकी शादी तय की, मगर इस जावर, इस कुत्ते ने इस लड़की के साथ मिलकर मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं कहती हूँ खामोश रहो। तुम खामोश रहो, आज तुम खामोश रहो, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, क्योंकि जिस साहब को मैं सारी जिंदगी अपना खून पिलाता रहा उस साहब ने आज मुझको डसा है। अरे आज इसने अपनी औकात दिखाई है मुझको, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है कि रास्ते के कुत्ते को रास्ते में छोड़ना चाहिए, घर में कभी नहीं लाना चाहिए। इसके आगे एक शब्द भी मत कहिएगा। आज आपने इसे नहीं, एक माँ को गाली दी है, उसकी ममता को गाली दी है जिसके साये में ये पला है, उस दूध को गाली दी है जिसे पीकर ये पड़ा हुआ है। आप समझते क्या है, क्या समझते हैं कि आपकी जायदाद की लालच में यहाँ पड़ा हुआ है? अरे मेरा बेटा आपकी जायदाद पे थूकता तक नहीं। चुप कर माँ। तू चुप रह, तू नहीं जानता कि इन्होंने हमेशा तुझसे भेद धो रखा है, और जितना जहर इनके दिल में था ना आज सब सामने आ गया है। चल यहाँ से, जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं उसकी माँ भी उस घर में नहीं रहेगी। क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ, और उसी दिन इस घर में वापस कदम रखूंगी जिस दिन ये सबके सामने कबूल करेंगे कि तू ही इनका बेटा है। इतना गुस्सा मत कर माँ, बात बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ तो गई, अब क्या बाकी है? अरे तो इसमें तो नाराज होने की क्या बात है, मेरे बाबूजी ने मुझसे कुछ कहा है ना, किसी और ने तो कुछ नहीं कहा ना। इसी बात का दुख है कि इनको तो नहीं कहना चाहिए, कोई और कहता तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, मगर ये ऐसी बात। चल यहाँ से माँ, मैं कहती हूँ चल। तुम्हारी बात सुन, कर भला तो हो भला। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। राजा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मर तो सकती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? माँ तुम्हें छोड़ दे, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। किसे? उसे जो ऊपर चढ़कर अब नया नाटक कर रही है, आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे हाथ पैर काटने की कोई जरूरत नहीं राजा, मैं कूद नहीं जा रही। अब पीछे जा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तू चुप रहे माँ, ये कुछ नहीं करने वाली, ये सब नाटक है। तू चुप रहे, मुझे तो लगता है वो जो कह रही हूँ करके दिखाएगी। नहीं माँ, ये मरने वालों में से नहीं है, ये मारने वालों में से। समस्या नहीं है, कूद जाएगी, इसे रोको। अरे मुझे बसाने में इसके साथ साथ तेरा भी हाथ है, तेरी तो। नहीं बेटी, तू पीछे जा, बस कर, नीचे आ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। मैं नीचे एक ही शर्त पर आऊंगी, अगर आपका बेटा मुझसे शादी करे तो। शादी और तुझसे? तू कूद नीचे और फिर भी ना मरी ना तो गला घोट के मार दूंगा मैं तुझे। अब चुप भी कर। देख बेटी, इस तरह गले पर छुरी रखकर हाँ करवाना ठीक बात नहीं है। तू तो जानती है किसके बाबूजी नाराज है, वो नहीं मानेंगे तब तक की शादी कैसे हो सकती है। मैं बाबूजी के मानने तक इंतजार करूंगी, उनके मानने के बाद ही मंगलसूत्र पहनूंगी, मगर पहनूंगी तो राजा के हाथों से ही, और आपको अभी मुझे स्वीकार करना होगा बहू कहकर, वरना मैं खुद जाऊंगी। ऐसे बोल रही जैसे जिंदा रहकर हम पर एहसान कर रही। मैं तीन तक गिनूंगी, अगर आपने मुझे बहू कहकर ना पुकारा तो मैं कूद जाऊंगी। माँ इसे कोई वचन नहीं देना, ये गले पड़ जाएगी। हाँ एक, नहीं बेटी पहले मेरी बात सुन, सुन। दो, अरे ये पागलपन मत कर। तीन, कूद जा। अरे चुप रहना, चुप कर। नहीं बेटी ऐसा मत करना। माँ मैं जा रही हूँ। तीन, तीन। नहीं 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 बेटी नहीं। क्या कहा आपने? बहू? हाँ हाँ, बहू बहू, नीचे आ जा बेटा, नीचे आ जा बहू। आपने मुझे बहू मान लिया माँ जी? मैं नीचे आ रही हूँ सासू जी। हाँ हाँ, मान लिया, आ रही हूँ। आजा बेटा आजा, जाना नहीं है, मैं आ रही हूँ। आजा बहू आजा। चलिए सासू जी, देखिए मैं अपनी बेटी भी लाई हूँ, क्या आप लोग रहेंगे वहाँ एक कोने में मैं भी रह लूंगी। लाइए भाभी जी, जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए, जनाजा खत्म हो रहा है। उल्लू के पट्टे पेटू कहीं के, वहाँ तेरे ताऊ जी बेचारे भूखे प्यासे उदास बैठे हुए, और तू यहाँ खाना खाया? जा अपने हाथों से खाना, ताऊ जी को खिला कर जा। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है गधे, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? है वो तो मैं समझ गया, मगर समझ में ये नहीं आता है कि बाबूजी आपको अपने भाई पर
इतना प्यार कब से आ गया? बेकार बहस मत किया कर बाबूजी से, जो कहते हैं किया कर, चल जा, चल चल जा, चल जा। ताऊजी, ताऊजी, आप खाना खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। अच्छा ये बता, वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे मेरी पत्नी और मेरा बेटा। अपने ही गांव में है ताऊजी। मेरा ही काम करेगा जी, उनसे जाके कहे कि मैंने कहा है शराफत से अभी के अभी घर लौटो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बेटा? नहीं भाई साहब, वो दोनों अकेले इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ ताऊ जी, हम लोग अभी अभी ताई जी के घर से ही आ रहे हैं। उन्होंने मधु को वचन दे दिया कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। लखन जी, भाई साहब उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, तू जाकर अब मेरा फैसला सुना दे कि मैं उनको इस शुक्रवार तक का समय दे रहा हूँ। इस बीच अगर वो उस लड़की को भुलाकर इज्जत के साथ इस घर में लौट आए तब तो वो मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है, वरना उसके बाद उनके साथ मेरा जिंदगी भर कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। करभला तो हो भला। अरे राजा, राजा बेटा। अच्छा वो तुम मिल गए, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। अच्छा, मगर मैं तो बाबूजी से मिलने जा रहा हूं। अरे तुम्हारे बाबूजी नहीं तो हमें भेजा है तुम लोगों की खैरियत पूछने के लिए। सच बाबूजी ने आप लोगों को भेजा? तो और नहीं तो क्या है, तुम लोगों के जाने के बाद मैंने भाई साहब से बहुत झगड़ा किया। अरे भाई मैंने उन्हें कहा कि भाभी जी ने उस लड़की को जबान दे दी है, अब बात कर बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। और फिर दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आप सुला कर लीजिए। फिर राजा तो ताऊ जी कहने लगे, लेकिन उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड है। हाँ। अपने आप को बहुत होशियार समझती है। ठीक है, अगर तुम्हारी ताई जी ने उसे घर में रख ही लिया तो मैं शुक्रवार तक का समय देता हूँ, लेकिन उस लड़की से कहो कि शुक्रवार से पहले पहले अपने स्वभाव को बदल, बात करने का तरीका सीख ले और मेरे राजा के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हाँ। तो मैं शनिवार को शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बाकी भैया बाबूजी ने ऐसा कहा? अरे हा? राजा बाबूजी ने ऐसा ही कहा। अरे अरे मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ भाई। नहीं, ये सभी ठीक नहीं है बेटा, क्यों बड़ी बड़ी बात को बिगाड़ना चाहते हो तुम? अब ठीक कह रहे चाचा। शाबाश बेटा, जीते रहो जीते। मतलब फिर भी जब तक मैं बाबूजी से नहीं मिलूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं जाता हूँ। बापू अब क्या होगा? फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ। कर भला तो हो भला, जल्दी जा। क्या है, क्यों आया यहाँ? बाबू जी क्या है, सच है क्या आपने चाचा जी से कहा है कि अगले शुक्रवार? अच्छा बेटा, क्या तुम्हें अपने चाचा जी की बात का विश्वास नहीं? अब मैं भला भाई साहब की इजाजत के बिना तुमसे कुछ कह सकता हूँ? सवाल विश्वास का नहीं चाचा, जो बात मैंने आपके मुंह से सुनी है वही बात मैं एक बार बाबू जी के मुंह से सुन लूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा। क्या सुनना चाहता है तू मेरे मुंह से? यही ना कि मैंने अगले शुक्रवार तक का समय दिया है। कर भला हो भला, अब तो सुन लिया, चल चल ठीक है। बाबू क्या बात है राजा, बड़े चहकते हुए वापस आ रहे हो? अरे बाबूजी ने तुमको शुक्रवार तक का टाइम दिया है, अभी तुम थोड़ी सुधर जाओ। क्या मतलब, मैं बिगड़ी हुई हूँ? नहीं, उनके कहने का मतलब था कि तुम अपना स्वभाव थोड़ा सुधार लो, अगर तुम मेरी प्यार से देखभाल कर लोगी तो शनिवार तक वो हम दोनों की शादी तय कर देंगे। खामखा परेशान हो रहे हैं, मुझे राजा पर पूरा विश्वास है, वो आपको भगवान की तरह पूछता है। देख लेना, दो ही दिन में वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। हाँ ताऊजी, वो बाबूजी अब आप क्या कहते हैं? आपको तो बड़ा विश्वास था अपने राजा पर, इसने तो एक लड़की के लिए अपने इस भगवान को ठुकरा दिया। अरे चुप रह, शुक्रवार तक का वक्त दिया हमने उसे, उससे पहले हम उसे कुछ नहीं कह सकते। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए ना जी, चलिए ना, चलिए।
ताऊजी, ताऊजी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई आज शुक्रवार है। भाई साहब जाके देखना चाहते हैं कि उस राजा के मिजाज ठीक हुए कि नहीं हुए। हाँ वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं अभी भी वहीं से तो आ रहा हूँ। राजा में कोई तब्दीली नहीं आई है। और ताऊजी वो लड़की तो अभी तक उसी घर में जमी बैठी हुई है। दिल छोटा मत कीजिए भाई साहब, बच्चा है बेचारा, क्यों ना हम उसे एक हफ्ते की मोहलत और दे दें। कोई जरूरत नहीं है, आज तक मैंने वक्त दिया था, फैसला भी आज ही होगा। घर जाके तेरी भाभी को लेकर आ जा वहां पर जल्दी। चलो बा। अरे बाबूजी, वाह बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी हम लोग आप ही के पास आ रहे थे बाबूजी। इस दुनिया में कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, हजारों साल उसको नली में डाल के रखो मगर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई? मैंने कहलवा कर भेजा था और उसके बावजूद तुमने इस लड़की को घर में रखा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ही ने तो चाचा जी से कहलवाया था कि अगर शुक्रवार तक मधु का स्वभाव बदल जाएगा तो शनिवार को आप हम दोनों की शादी तय कर देंगे। अरे अरे भी क्यों मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो राजा बाबू? तोबा तोबा तोबा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे भाई मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर शुक्रवार तक तुमने इस लड़की को घर से बाहर दफा नहीं किया तो बाबूजी हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हाँ अरे माँ ये झूठ बोल रहे चाचा जी। सुनिए देखिए आपके गुस्से और अकेलेपन का फायदा उठाकर ये लोग हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के लिए इनकी असलियत पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? कल के छोकरी की बातों में आकर आप मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साहब की सेवा में गुजार दी, जिसने इस घर की एकता बनाने के लिए दिन रात ही कर दिए, आप मुझ पर शक कर रही है? नहीं भाई साहब नहीं, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बस बस मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अपने कौन है तो पराए कौन है सबको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जी मुझे पता क्या लगता है, राजा ने इस लड़की के साथ को उल्टी सीधी हरकत कर दी है और वो भी इसके गले पड़ गई है। भागे और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ताऊ जी की कई भी बात को टुकरा देते। राजा सबको अगर कहता हूँ कि पहले आपका कहा हुआ एक एक शब्द राजा के सामने आके दोहराया, अरे आपको ये किले आता था राजा इधर आ, मेरी बीवी पेट से है, इसकी कोख में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है। दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम खाएगा? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि बाप जी बाकी भैया सच कह रहे हैं, मैं ही झूठ बोल रहा था। राजा आपने जो इनसे कहने के लिए कहा था इन्होंने सच सच आकर वही मुझे बताया। इस बक्कार की गद्दारी, अरे पालने का इतना शौक था तो उसको निकाल कर कुत्ता पाल लिया होता, थोड़ी सी वफादारी तो करता तुम्हारे साथ। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम आज के बाद तो तुम मेरी पत्नी हो और नहीं ये मेरा बेटा है, कोई नहीं है मेरा। मैं जानती हूँ राजा, आज बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, मगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? अरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हंसी में उड़ा देता, मगर मेरी वजह से बाबूजी और माँ जो अलग हो गए ना, ऐसा लगता जैसे शरीर के दो हिस्से हो गए हों। सब्र करो राजा, और किया भी क्या जा सकता है, जो कहूंगा करोगी? वापस लौटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करूंगी। ठीक है कूद जाओ इस नदी में। बस इतनी सी बात? अरे अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने, अरे ये क्या नया नाटक हो रहा भाई? ए मधुबाला 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 कहाँ हो तुम? मधुबाला 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 कहाँ हो तुम? मधु मधुबाला 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 अरे मधुबाला
मधुबाला डराएगा। मेरे कूदने की बात तुम क्यों कूदे? मुझको क्या पता था कि तुम कूद जाओगी। मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो उस दिन जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण मुसीबत उठानी पड़ रही है। और उस पगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गए होते। वो चलता था मुझको, कम से कम मेरे माँ बाप तो अलग नहीं होते। तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। ये देखो जहर। हाँ मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुला लीजिए, मैं राजा की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ और फिर कहीं जाकर मैं ये जहर पी लेती। आइए आइए वैद्य जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है लखन जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बुलाया है। अच्छा अच्छा। एक बात तो बताइए वैद्य जी, किसी ने अगर ये जहर दूध में मिलाकर पी लिया हो तो जहर पीने के कितनी देर बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? अगर एक घंटे से ज्यादा समय हो गया हो तो जान बचाना मुश्किल है। मतलब पौने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो वो बच सकता है। हाँ मगर ये तो बताइए जहर पिया है किसने? नहीं नहीं पिया नहीं है, पीने वाला है। मेरी बेटी? अरे किशन बात देख रहे, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को रे? अरे क्या हुआ रे? मेरी बेटी को रे? भाई साहब मैं खेत से वापस लौट रहा था तभी ये रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। मेरी तो जान ही निकलेगी जब मैंने ये खाली जहर की शीशी इसके पास पड़ी हुई पाई। इसने जहर पी लिया? हाँ। अरे किस अदवा जिस बात का डर था वही आ रहे। अरे एक मिनट ठहरो भाई, इस हालत में इसको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उठा उठा उठा। हमारे पास गया है भाई साहब वैद्य को बुलाने के लिए। अरे ताऊ जी वैद्य जी भी आ गए। वैद्य जी जल्दी जल्दी देखिए लड़की को। जहर पिए लगभग आधा घंटा हो गया है, तब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। रुक जाओ वैद्य जी रुक जाओ। क्यों? अभी इसके जिंदा रहने की जरूरत भी क्या, इसे मर जाने दो। अरे पागल हो चंद्रमोहन, कैसी बात कर रहे हो तुम, दवा दो भाई। अरे वैद्य के बच्चे, इस लड़की का बाप मैं हूँ, तुम इसको दवाई नहीं पिलाओगे समझे? अरे तेरे कारण मेरी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तू इंसान ही चल रहा है काका। मेरे देवता समान ताऊ जी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहना, वरना। ठहरो भाई ठहरो, तुम बच्ची को दवा तो पिला लेने दो, उसके बाद जी खोल के मुझे गाली देना बस। एक शर्त पर दवा पिएगी, राजा को बुलाकर मेरी लड़की के गले में अभी मंगलसूत्र डलवाओ, अभी अभी। देखिए समय बीतता जा रहा है, लड़की की हालत खराब होती जा रही है। चंद्रमोहन तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। तुम मेरे बेटे से कर दो। तुम्हारा बेटा? हाँ, अमावस से। अमावस? अरे तू, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए। लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही है, अगर 5 मिनट में दवा नहीं पिलाया गया तो लड़की को कुछ भी हो सकता है। चंद्रमोहन अमावस भोला है, उस गद्दार राजा से हजार गुना बेहतर है, लाखन की बात मान लो। काका जी राजा भी तो लावारिस सी था ना, वो तो ताऊ जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो राजा से राजा बाबू बन गया। ताऊ जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही बाबू बन जाएगा। अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना। वारिस? चंद्रमोहन अगले शुक्रवार को आके देखना, मैं सारे गांव के सामने कहूंगा कि मेरा वारिस अमावस है, इसको मैं गोद ले रहा हूँ बस। भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी बेटी की शादी राजा से ना होकर अमावस से हो रही है, वारिस तो अमावस ही है ना। मैंने जो कुछ सुना क्या ये सच है? खामोश क्यों है, जवाब दीजिए। सच है। वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मेरी कोख से जन्म ना लेने पर भी आज तक जो मुझे माँ और आपको बाबूजी पुकारता रहा उस पर ये पहाड़ टूटने के बाद भी कि वो अनाथ है, उसने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि उसके अपने माँ बाप कौन है, क्योंकि आज तक वो हमें ही अपना माँ बाप समझता है। ऐसे बेटे की जगह आप किसी और को दे रहे हैं, तो अब आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए, आप अपनी जायदाद चाहे किसी को भी दे दें लेकिन बेटा कहलाने का हक अगर आपने मेरे बेटे के सिवा किसी और को दिया तो आपसे अपनी चिता जलाने का हक भी छीन लूंगी।
आ गई थी माँ बाबूजी से लड़ने के लिए, मगर उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बाबूजी हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन वो चाचा जी और उनका प्यारा बेटा बाके है। हमारे परिवार को मोहरा बनाकर बड़ी चालाकी से दोनों शतरंज की चाल खेल रहे हैं। जानती हूँ राजा, लेकिन तेरे बाबूजी तो उसे अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। तूने कैसे यकीन दिलाया जाए कि लाखन आज दिन का सांप है? आज तक मैं रिश्तों का ख्याल रखकर चुप बैठा रहा, भूल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि शत्रु शत्रु होता है, भले ही अपना सगा संबंधी क्यों ना हो। अब तुम देखना मां, तुम्हारा ये अनपढ़ और अंगूठा छाप बेटा कैसे शत्रुओं के अंगूठे काटता है। राजा बाबू, ये सब कुछ आपने मालकिन को तसल्ली देने के लिए कहा है या वाकई को तरकीब है? मधु, तुम अपने कपड़े पेटी में डाल के जल्दी से पेटी ले आओ, जाओ। ये कैसी तरकीब है? तू जाकर रसोई से प्याज लेकर आ, जा। कुछ अजीब सी तरकीब है, पेटी प्याज प्याज पेटी पेटी। बाबूजी, गलती की माफी मांगने के लिए तेरी मां ने भेजा होगा शायद यहां पर। नहीं बाबूजी, दरगाह के लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। तेरी मां जाने को राजी हो गई? मां ने तो रात को कहा था कि सवेरे जाकर स्टेशन से तो टिकटें खरीद के लेके आना। और ये नहीं सोचा कि वहां जाके रहोगे कहां, खाओगे कहां से, भीख मांगोगे क्या? लगता है सही है, अब तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। बाबूजी, आज शाम को मां आपसे मिलने के लिए आने वाली है। हाँ बाबूजी, आज से 20 साल पहले जब आप लोगों का लगन हुआ था तो गांव वालों ने सुहागरात वाले दिन जिस रेशमी साड़ी में मां को आपके कमरे में भेजा था और जिस तरह शर्माते हुए मां आपके सामने आई थी और मां की सुंदरता में आपने कुछ शब्द कहे थे, आपने कुछ ऐसा कहा था कि ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। हाँ, मां ने मुझे कुछ ऐसे ही बताया था। बाबूजी, उस साड़ी को मां ने अलमारी में बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा, जाते जाते आपकी याद में मां उस साड़ी को लेने के लिए आ रही है। ना मत कहिएगा बाबूजी, ना मत कहिएगा, वरना वरना मेरी मां का दिल दुखेगा। बाबूजी, आपसे एक और विनती है, अगर मां गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे तब उसे इनकार मत कीजिएगा, वरना मेरी मां का दिल दुखेगा। बिन मांगे ही चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना वरना जाते जाते मेरी मां का दिल टूट जाएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बाबूजी, मैं देखा। हाँ? अरे तू गया नहीं अब तू? नहीं, वो आपने भी आंख में प्याज दी। मेरा मतलब है कि हमारे जाने के दुख में आप रो रहे बाबूजी? अरे मैं क्यों रोने लगा, मेरी आंख में कचरा चला गया था इसलिए पानी बह रहा है। ओ, मैंने सोचा कि आप सचमुच रो रहे हैं। बाबूजी, शाम तक के लिए मोटरसाइकिल ले जाऊं, वो स्टेशन यहां से बहुत दूर है, पैदल चलूंगा तो पांव दुखेगा। हाँ ले जा, ले जा। अच्छा बाबूजी, क्या है? माँ, बाबूजी मान गए। क्या? हाँ, उन्होंने सामान लेकर तुम्हें घर बुलाया। तू सच कह रहा है? कभी झूठ बोला है मैंने? लेकिन इतनी जल्दी वो मान कैसे गए? वो तो कह बस मैंने एक छोटा सवाल पूछ लिया उनसे। क्या? यही कि अगर मैं उनका सच्चा खून होता तो कैसे छोड़ सकते थे मुझे वो? फिर क्या, रोने लगे, राजा कहकर मुझे गले लगा लिया। फिर मैं भी रोने लगा। हम दोनों की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। फिर उसी में सारे गिले शिकवे में बह गए।
फिर क्या माँ, तुम जल्दी से अपनी पेटी बांधो और घर जाओ। तू क्या बोल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मगर समझने की जरूरत क्या है माँ, देखो तुम जल्दी से हाथ पांव मुंह धो लो, थोड़ी कंघी शेंग कर लो, गजरा लगाना और एक नई सी साड़ी पहनकर साक्षात देवी बनकर बाबूजी के सामने पहुंच जाओ बस। राजा बाबू की जय। बाबूजी, राजा बाबू की, ये तो वापस आ गया। राजा बाबू की जय। अरे ये तो फिर से नोटों की बारिश कर रहा है। राजा बाबू की जय, राजा बाबू की जय, राजा बाबू की जय। चालो, मालिक ने अमावस को गोद लेने की क्या सोची? आप लोग क्या समझते थे कि राजा बाबू का सारा माल हड़प लेंगे? देखो हमारे राजा बाबू कितने दिल वाले हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि मावस तो क्या, मैं इन दोनों को भी गोद ले लेता हूँ। मैंने कहा ना राजा ना, इन दोनों ने पहले से सारे गांव में इतना गंद कर रखा है, आपकी गोद में भी गंद कर देंगे। समझ तो नहीं है यार। राजा बाबू की जय, राजा बाबू की जय। सब कुछ कहा बाबूजी, ये तो किए कराए पर पानी फिर गया। तू फिक्र मत कर, तू फिक्र मत कर बाके, मैं ये पास इतनी आसानी से पलटने नहीं दूंगा। जरूरत पड़ी तो हमारा उसको गोद लेने की रस्म उसकी लाश पर होगी, उसकी लाश पर। हाँ तो एक काम कर, चुपचाप कोठी पर जा और जाकर देख वहां क्या हो रहा है। क्या ठीक है बाबूजी। अरे चल हट। तबीयत है आपकी? तुम कैसी हो? ठीक हूँ। देखा ना, आपकी एक छोटी सी जिद ने बात कहां से कहां बढ़ा दी। लेकिन आप तो हमसे नाराज थे ना, सजा आपने आपको क्यों दी? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो तो सही, देखो कितनी गिर गई है सेहत आपकी। खाना नहीं खाते थे क्या? जिस इंसान के पत्नी और बेटा उसका घर छोड़ के चले जाए, उसको कभी भूख लग सकती है? मैं खाना लेके आती हूँ, आज तो खा लो। मैं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मैं लेके आती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अगर माँ गुस्से में आपसे कुछ कह दे और किसी चीज के लिए जिद करे तो उसे इनकार मत कीजिएगा। बिना गई चाबी का गुच्छा उसके हाथ में दे दीजिएगा, वरना मेरी माँ का दिल दुखेगा। चले हो। ए जी, अपने हाथों से खिला दूं? नहीं नहीं मैं खा लूंगा। कल से खुद खा लेना, आज मेरे हाथों से खाओ। चलो क्या? वह ताई जी ताऊजी को अपने हाथ से खाना खिला रही है और वो उनकी कमर में चाबी लगा रहे हैं। सब सब पे पानी फिर गया। बाबूजी कुछ सोचिए, कुछ सोचिए। अब सोचने समझने का वक्त चला गया है बांके। अब हम दिमाग से नहीं ताकत से काम लेंगे। क्या वो चौधरी जी का खून कर सकता है? हाँ। आप लोगों के शक की वजह क्या है? मेरे ताऊ जी के पास बहुत दौलत है इंस्पेक्टर साहब, और वो कल मेरे छोटे भाई अमावस को गोद लेने वाले हैं। अब सारी दौलत हाथ से जाते हुए देख के राजा कुछ भी कर सकता है? हाँ? कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सिर्फ जान ही लेगा। या तो मेरे भाई साहब की जान लेगा और या फिर मेरे बेटे अमावस की। जी आप लोग परेशान मत होइए, मैं देख लूंगा। जानकी
जी। तो फिर कब जाने का फैसला किया है? जब आप कहें, मगर आप भी साथ चलेंगे ना? मैं? मैं कहाँ चलूंगा? मंदिर चढ़ावा चढ़ाने के लिए। मंदिर? और नहीं तो क्या, हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए क्या भगवान का शुक्रिया अदा करने? लेकिन राजा तो कह रहा था कि तुम दोनों गांव छोड़ के हमेशा के लिए चले जाना चाहते हो। ठीक, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आपका मेरा तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, आपका पीछा तो मैं सात जन्म तक नहीं छोड़ूंगी। हाँ कर भला। ओ भला, तुम ठीक कह रही हो भाभी। हाँ, ना ही तुम पीछा छोड़ने वाली हो और ना ही हम पीछा छोड़ने वाले हैं, लेकिन ये सात जन्मों का वक्त नहीं है हमारे पास, इतना इंतजार नहीं कर सकते हम। हाँ लखन, क्या कह रहे तू? जो तू सुन रहा है किशन। लखन, बदतमीज, अपने बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं क्या? ए बुढ़िया, ज्यादा बकबक की तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। लखन, ये क्या है? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। देख, हमने तो चाहा था कि तुम मेरे भाई को गोद लेके हमें इस जायदाद का वारिस बना दो, लेकिन जब साले राजा ने ये बताया कि तुम लोग एक हो गए, हमें तो यकीन ही नहीं आया। अरे बरसों से हम इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि एक दिन ये सारी जायदाद के वारिस हम होंगे, अब तुम अचानक एक ही दिन में वो हमारा बरसों पुराना ख्वाब तोड़ देना चाहते। एक बात और कान खोलकर सुन दो भड़ाऊ। यही ना कि अगर मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे नहीं की तो तुम हमें जान से मार डालोगे। सरकार है, सरकार है। जिस तरह तुम पैदाइशी बेवकूफ हो, मगर तुम्हारी बेवकूफी ने आज एक बात तो साबित कर दी कि हमारे बेटे के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरी जायदाद में मेरे बेटे राजा के सिवा किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे जो जी में है सो करो, तुम करो तुम। खबरदार, जब कोई हरकत करने की कोशिश भी की, सीधी तरह से बंदूक फेंक दो। बापू, बंदूक फेंकने के लिए कहा था, आपने कोयता क्यों नीचे फेंक दिया? इंस्पेक्टर साहब, ये बंदूक मैंने किसी की जान लेने के लिए नहीं बल्कि अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए उठाई है। अंदर मेरे चाचा ने मेरे माँ बाप को कैद कर रखा है। शराब, तुम इन्हें अंदर ले जाकर बंद कर दो, मैं बाहर देख के आता हूँ क्या हो रहा है। चलो ताऊ जी। अरे चल बुढ़िया, तुम्हारे चाचा जी ने हमारे पास रिपोर्ट लिखवाई थी, तुम जायदाद के लिए अपने बाबूजी की जान लेना चाहते हो। ये तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे आ गया। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, वो आज अपने बाप को मारकर बाप बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ। चाचा मैं तुझे ले चलो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरे बाबूजी को बाहर बुला लीजिए, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। ये ठीक कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी अपने भाई साहब को बाहर लाता हूँ, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुन भाके, मैं भाई साहब को बाहर ले जा रहा हूँ, अगर इन्होंने इंस्पेक्टर के सामने कुछ बकने की कोशिश की तो इस बुढ़िया को यही खत्म कर देना, समझे? समझ गए बुढ़िया। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी ने थाने में जाकर मेरे खिलाफ गलत रिपोर्ट लिखवाई है, कई जायदाद के लिए मैं आपका खून कर देना चाहता हूँ, आप मेरा असलियत बताइए। हाँ हाँ भाई साहब, सच सच बता दीजिए इंस्पेक्टर साहब को, अब आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये पुलिस की हिरासत में है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये। हाँ तू चुप रह कमीने, मेरे बाबूजी खुद बताएंगे कि आज से इनका साहब कौन है और जायदाद के लिए कौन किसका खून करना चाहता है, समझा? भाई साहब, इस तरह चुपचाप रहने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए कि आपका बेटा आपको जान से मार देना चाहता है। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप? अब तो तसल्ली हो गई ना इंस्पेक्टर साहब, हो गई ना तसल्ली? मैं समझ गया इंस्पेक्टर साहब, जरूर इस कमीने ने मेरी माँ को मारने की धमकी दी है, जो अभी तक अंदर इसके कब्जे में, इसलिए मेरे बाबूजी घबरा कर झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी माँ को बाहर बुलाइए, मेरी माँ को बाहर बुलाइए आप। कभी बाबूजी को बुलाओ, कभी मेरी माँ को बुलाओ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ले चलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरे माँ बाप को इसके सही के हवाले मत कीजिए, मेरी माँ को एक बार बाहर बुलाइए, मैं जहाँ आप कहते चलने के लिए तैयार हूँ ना। चाचा, अगर मेरे माँ बाप को कुछ हुआ ना, काट डालूंगा, काट डालूंगा। अबे गधे,
बाबूजी ने तुझे घास लेट लाने के लिए कहा था, मशाल क्यों लाया? बाके भैया, बाबूजी ने जलाने का फैसला तो कर लिया है, तो फिर सिर्फ घास लेट से कैसा चलेगा? आग लगाने के लिए मशाल भी तो चाहिए होगी। अरे शाबाश, आज पहली बार मेरे गर्दन ने कुछ समझदारी का काम किया है। चल डाल दे घास लेट इन पर। हाँ, डाल दे बुड्ढा बुड्ढी पे घास लेट। चल चल दे। ये क्या कर रहे तू? आज मैं पहली बार समझदारी का काम कर रहा हूँ। अभावस मेरे भाई, देख ये अपने बाबूजी हैं। मैं जानता हूँ ये मेरे बाबूजी हैं और तू मेरा बड़ा भाई। ये अचानक तुझे क्या हो गया बेटे? अचानक नहीं बाबूजी, ये लावा तो 20 बरसों से मेरे दिल के अंदर धीरे धीरे जमा हो रहा था, आज इसने ज्वालामुखी का रूप धारण किया है। अचानक कहां हुआ ये सब? किस तरह आप दोनों मुझे बात बात पर मारते थे, यहां तक कि मेरे हाथ जला दिए आपने, भूल गए? काया, ये आदमी आपका भाई नहीं है, ये आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ताया सबसे बड़ा दुश्मन है, हमेशा लाखों की हेरा फेरी करते हुए आया है, धोखा दिया है हमेशा आप। ये सब कुछ मैं बहुत पहले बता देना चाहता था ताया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा कर पाया। लेकिन लेकिन आज इसने आपको मार डालने की कोशिश की जान से, तो मुझसे रहा नहीं गया। अमावस, अमावस, आज तो पूर्णिमा है बाबूजी, अमावस तो सिर्फ आपके लिए है। बोल दो अपने चमचों से कि खोल दे मेरे ताया ताई को, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, कोयला बना दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दे, अमावस, मैं खोलता हूं ताया ताई जी को। हाँ, हाँ, जल्दी खोल तो रहा हूं। आ ताई जी, क्या कह रहा था मुझे बुढ़िया? बाबूजी जल्दी आइए। हाँ हाँ जल्दी भाभी, जल्दी जल्दी चलाओ भाभी, जल्दी जल्दी, पीछे गुंडे आ रहे हैं, गुंडे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे चाचा बहुत खतरनाक आदमी है। साफ जानता हूँ। देखिए मेरी माँ और बाबूजी की जिंदगी को खतरा है। शराब, अरे हाथ साले। अरे भैया ये सब कैसे हो गया? अरे बचा लो भैया, बचा अभी बचाते हैं। सबके सब जख्मी पड़े हैं भाई। अरे अरे हमारी मोटरसाइकिल, चल चल जल्दी चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। अरे और तेज चला भागे, और तेज चला। उल्लू का पट्टे आ गए गुंडा, आ लाले मार दूंगा मैं। प्रणाम बुढ़िया, कर भला दो हो भला। बाबूजी, आपसे बहुत प्यार है तो आजा। नहीं राजा, मत आना, मत आना राजा। आजा 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 आजा
अच्छा कर भला हो भला। इनके गंदे खून से अपने हाथ को नापाक मत कर, इनको पुलिस के हवाले कर दे। नहीं बाबूजी, तकलीफ इन्होंने पुलिस को नहीं मुझे दी है, सजा भी मैं ही दूंगा। अमास बांध दे इन दोनों को, सालों को। अरे अमास, अरे मैं तेरा बाप हूं बेटे। अरे मुझे तो लगता है तू मेरी हराम की औलाद है, मेरी बीवी की कोख से पैदा नहीं हुआ तू। माना के लोग जलील है, कमीने हैं, मगर हैं तो अपने रिश्तेदार। छोड़ दे, छोड़ दे। अरे ऐसे रिश्तेदार होने से तो अकेले रहना अच्छा, मर जाए। अरे आप मुंह क्या देख रही है, आप इनके पाँव छुए, इनके पाँव। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। बेटा छोड़ देना, छोड़ देना। अरे मरवा दिया बुड्ढे मुझे। मर जाएंगे लोग। अरे आप इनके सर पे हाथ तो रखिए बाबूजी, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा ये दोनों हाथ रखे, चल अभी तो छू ना। अरे काका, अरे काकी भी आ गई। आइए राजा बाबू। मैं आपका राजा नहीं, आपके राजा साहब ये है, यहाँ पर जाइए। अरे किसन बाबू मर रहे थे, इनको बचाएंगे तो कल फिर काटेंगे साले। अबे वो गंजे सर फोड़ दूंगा तेरा मैं, घूमना। अरे मैं राजा भैया। हाँ क्या है? मैं जानती हूँ कि वो आपके कसूरवार है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आ राजा भैया, जब भाभी जी ने मुझे हिम्मत दी तभी मैं दाया दाजी की जिंदगी को बचा पाया। भाभी जी मैं जानता हूँ कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन लेकिन मैं उनको नहीं बचा सकता, वो रोड रोलर उन पर चला जा रहा है। तुम क्या खड़े खड़े मुद्दे की बोलो ना इसको। राजा अपनी माँ की बात नहीं मानेगा, लोगों से उधर देखिए ना। अरे बच गए। हाँ ना पीछे को, पीछे को। रो रो। ये पीछे कैसे जा रहे? हाँ ना कम बाहर। नंदो सबका बंदो। माँ मेरे बाल। क्या रे? भाभी। चाचा के तैयारी कर। किसकी? मेरी शादी की। समझता नहीं है यार। समझ गया।